दोस्तों, शाओमी का 360 डिग्री कैमरा जब से मैंने ख़रीदा है, तब से ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या ये एंड्रॉयड टीवी में काम करेगा, और अगर ये एंड्रॉयड टीवी में काम करेगा तो किस प्रकार का दिखाई देगा, अगर हम एक कैमरा पेयर करते तो कैसा दिखाई देगा, और मल्टीपल कैमरा अगर हम यूज़ करते तो क्या एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी को हम CCTV की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो जानेंगे आज इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास शाओमी का MI का TV होना चाहिए जिसमें पैच वॉल चलता है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा शाओमी का TV है जिसमें पैच वॉल भी चलता है, एंड्रॉयड भी चलता है, दोनों प्रकार से मेरे सारे फीचर्स इस TV के अंदर आसानी से चल जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से मेरा TV है जो कि शाओमी का TV है, जो कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा प्राइस वेरिएंट के अनुसार। अब हम चलते हैं इसके पैच वॉल पे। तो अगर दोस्तों आपके शाओमी का TV है, MI का, रेडमी का, मी का, तो आपको ये वाला स्क्रीन पर आना है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे इनपुट, प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, गूगल प्ले, तो यहाँ पे आपको मोर इन्फो का एक ऑप्शन आता है, तो आप करेंगे इस मोर इन्फो को ओके। हाँ, याद रहे दोस्तों, आपको जो शाओमी होम एप्लीकेशन है शाओमी का, उसी का जो एप्लीकेशंस है उसका जो ID है वही आपको शाओमी अकाउंट अपने TV के अंदर लॉगिन करके रखना होगा, जिससे कि आप आसानी से कैमरे से आपके TV को सिंक कर पाओगे। तो मैंने ऑलरेडी अपना मी अकाउंट इस TV के अंदर लॉगिन किया हुआ है, सारा सेटअप पहले से है, कोई दिक्कत है नहीं, स्मूथ तरीके से चलता है। तो अभी देखिए हम आ गए यूज़र सेंटर में। अब यूज़र सेंटर में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे देखिए आपको शाओमी की सारी सर्विसेज के बारे में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे उनका इकोसिस्टम जिससे जुड़ता है वो होती है मी होम ऐप, तो आप कर लेंगे मी होम एप्लीकेशन को ओपन। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, आप दोस्तों इसे ओपन करोगे तो आपके साथ ओपन नहीं होगा, यहाँ पे QR कोड मांगा जाएगा, और QR कोड के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास शाओमी के दो कैमरे हैं, एक MI LED स्मार्ट बल्ब है, दोनों यहाँ पे आसानी से सिंक हो गए हैं। अब मेरे पास दो डिवाइसेस है ऑलरेडी, आप देख रहे हो। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो कुछ ये इस प्रकार से चलता है जैसे कि एक CCTV चलता है। कमाल का मुझे ये फीचर लगा दोस्तों, 2500 रुपये में एक कैमरा आता है, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं आपको, बहुत बहुत कमाल का है। आप अभी वीडियो क्वालिटी देख पा रहे होंगे, 2500 में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने भर भर के फीचर आपको प्रोवाइड करती है, और इतने सारे फीचर्स आपको केवल और केवल शाओमी ही दे सकता है, ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे दो कैमरे हैं, अलग अलग जगह लगे हुए हैं, एक मेरे दोस्त का है, एक मेरे खुद का है। तो कुछ इस प्रकार से आप चाहे तो नाम वगैरह भी दे सकते हैं। तो देखिए ये इसी तरीके से है। अब आपको यहाँ देखना है कि दोनों में लाइव आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, दोनों लाइव चल रहे हैं। एक में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है क्योंकि वो गांव के बीचों बीच लगा है मेन रोड पर, एक ही मेरा खेत पर गांव में से बाहर है जहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों ही लाइव फुटेज है दोस्तों, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। अगर आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी कैमरे रखेंगे, ये आइकन छोटे होते जाएंगे और यहाँ पे सभी की लाइव फीड देखने को मिलेगी। मुझे ये फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। आप एक DVR लेते हो, आजकल शाओमी का TV 8-9 हज़ार में आ जाता है, DVR का ही प्राइस 15-16 हज़ार रुपये का आता है, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम दोस्तों एक कैमरे को फटाफट से ऑन करके दिखाता हूँ मैं, तो क्या क्या TV से कनेक्टिविटी मिलती है। तो मैंने ये कर लिया एक को ओके। देखिए ये फुल स्क्रीन हो चुका है, यहाँ पे आपको देखिए कुछ साइड में दिखाई दे रहा है, कैमरा व्यूज़ पे आप क्लिक कर लेंगे। हाँ, इसमें एक और फीचर आता है पॉपअप का, अगर आप चाहो तो पॉपअप भी इनेबल कर सकते हो। अब आप अपने TV के रिमोट से ही इसके कैमरे को मूवमेंट दे सकते हो दोस्तों, जिधर चाहो उधर आप कैमरा मूवमेंट कर सकते हो, जैसा कि ये मैं अभी यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फ़ीचर्स मुझे काफ़ी कमाल लगा, काफ़ी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये फ़ीचर्स आपको 2500 से 2600 रुपये के कैमरे में मिलता है, तो मेरे अनुसार तो बहुत कमाल का फ़ीचर्स आपको शाओमी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसका नाइट विज़न भी बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको वीडियो में देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत कमाल का फ़ीचर है,
ऑडियो का। अभी अगर कोई कैमरे के सामने आवाज़ होगा, मूवमेंट होगा, तो वो भी यहाँ मुझे टीवी पर आवाज़ देगा। यानी यहाँ पे एक प्रकार से आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग जैसा कुछ चल रहा है। देखिए नीचे कुछ बजा, यहाँ पे कुछ आवाज़ आया, तो कुछ इस तरीके से ये फीचर है। फिर भी अगर आप और कुछ भी इसमें पूछना चाहते हो, प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या क्या इसके विषय में जानना चाहते हो, जिससे आपका जो नॉलेज है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा चेंज हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे उन सभी को यहाँ कवर करने की। और देखो ये मेरे गांव का कैमरा है, बहुत बहुत कमाल है, बहुत अच्छा लगता है इसका व्यू। मतलब मैं खेत से बैठे हुए पूरे गांव को देख सकता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल लगा। थोड़ा सा ये जिटर यहाँ कर रहा है बिकॉज़ इंटरनेट स्पीड, क्योंकि जहाँ ये कैमरा लगा है वहाँ पे मैंने डोंगल लगा रखा है जिसकी स्पीड बहुत कम है, कम नेटवर्क है। जहाँ मैं हूँ यहाँ पे मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है गांव में, तो मुझे कोई दिक्कत कोई प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आता है। बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में। अगर आपको कोई इतना अच्छा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों आप हमें से कमेंट करके पूछिएगा, हम उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी आपके डाउट रहेंगे। हाँ, और आपसे निवेदन है आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी डाउट है पूछ लीजिए इस कैमरे से रिलेटेड। मैं हर एक का वीडियो बना के आपको उन सभी का आंसर कर सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तो देखा दोस्तों आपने कैसे Xiaomi का 360 डिग्री मी का कैमरा या Redmi या MI कंपनी का कैमरा कितने अच्छे तरीके से उनके Android TV के साथ काम करता है। सेम ऐसा ही Realme के साथ है, सेम ऐसा ही Xiaomi के साथ है। तो Xiaomi का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, अगर आप उसके प्रोडक्ट लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनकी एप्लीकेशन से मिल जाता है। आई होप अगर आप कोई कैमरा ले रहे हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को हल करवाने का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।